तो नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर और आप देख रहे हैं यूएस चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास आईटेल का फोन है और दोस्तों टॉर्च की प्रॉब्लम है। टॉर्च चालू हो चुकी है लेकिन ये इसकी एलईडी नहीं जल रही है। देखिए बंद करके दिखाते हैं अभी आपको। देखिए टॉर्च बंद हो चुकी है लेकिन जला के दिखाते हैं। तो देखिए टॉर्च चालू हो चुकी है लेकिन कोई भी जल नहीं रही है, यानी कि इसकी टॉर्च जो है डिस्टर्ब है, जो कि ये एलईडी बल्ब लगा हुआ है ये डिस्टर्ब है। तो क्या प्रॉब्लम है इसकी, ये सब कुछ बताया जाएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अभी हम आपको दिखा देते हैं। इसका मॉडल नंबर IP2192 ये मॉडल नंबर है और चलिए अभी इसको खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से खोल लिया है और इसकी जो पीसीबी प्लेट को है बाहर निकालना है। तो चलिए किसी टूल की मदद ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये बाहर निकाला है हमने और इससे पूरी एलईडी बल्ब को साथ में पूरा बाहर निकाल लेना है। देखिए ये हमने पीसीबी बोर्ड को बाहर निकाल लिया और अभी इस टॉर्च जो एलईडी बल्ब है इसको भी बाहर निकालना है हमको। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये सही है कि खराब हो गया है, और अगर ये खराब है तो इसको रिप्लेस करेंगे, अगर नहीं है खराब तो क्या प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो अच्छे से जूम करके दिखा देते हैं, देख सकते हैं कि फिलहाल में लगा सही है, लूजिंग नहीं है जरा भी। और ये बल्ब जो है एलईडी बल्ब, इसको हम पहले बाहर निकालते हैं। सोल्डरिंग आयरन से हम बाहर निकाल लेते हैं, इसके बाद हम आपको इसका कैसे सॉल्यूशन होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमने एलईडी बल्ब को बाहर निकाल लिया है और ये बाहर निकालने के बाद कैसे इसको ठीक करना है तो अभी हम आपको बता देते हैं कि आप जो भी बैटरी से इसको इस तरीके से चेक करें तो याद रहे कि ये बैटरी बिल्कुल कम चार्ज हो, फुल चार्ज ना हो बैटरी, नहीं तो अगर आपका बल्ब जो है सही नहीं होगा तो खराब हो जाएगा। तो जो बैटरी डिस्चार्ज हो एक आध पॉइंट उससे आप चेक करिए तो आपकी एलईडी भी खराब नहीं होगी और बल्ब भी चेक हो जाएगा। तो चलिए हमने एलईडी बल्ब को चेक कर लिया तो ये खराब है हमारा, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ पे देखिए हमको वोल्टेज मिल रहे हैं प्रॉपर और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं मिल रही। तो यहाँ पे देखिए कोई सप्लाई नहीं मिल रही लेकिन यहाँ पे हमको सप्लाई मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक साइड हमको सप्लाई मिल रही है, एक पॉइंट की सप्लाई मिल रही है जो कि पॉजिटिव है, और नेगेटिव से कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है। यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमको सप्लाई मिल रही थी। इसका कहने का मतलब ये है कि एक साइड की इसकी सप्लाई भी शॉर्ट है और एलईडी बल्ब भी खराब है। तो यहाँ पे सप्लाई मिल रही थी, यहाँ से यहाँ का जम्पर लगाना पड़ेगा। चलिए पहले हम एलईडी बल्ब को चेंज करके देख लेते हैं, इसके बाद जम्पर किस तरीके से लगाना है वो हम आपको बताएंगे। तो ये वाला एलईडी बल्ब जो है हमारा काम का नहीं है, तो इसको क्या करना है ये हम सोच लेते हैं। तो इसकी जगह पर हमने छोटा एक एलईडी बल्ब लिया है और वीडियो को स्किप ना करें, अभी हम बताएंगे कि इस छोटे से बल्ब को किस तरीके से जो इसमें लगा हुआ था उतना ही बड़ा किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो देख सकते हैं कि इसको हमने सोल्डिंग कर दिया है। सोल्डिंग करने के बाद अभी हमको इसकी टेस्टिंग करनी है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी इसमें जो एक साइड में सप्लाई नहीं मिल रही थी हमको, वो सप्लाई जब तक नहीं मिलेगी जब तक ये वर्क भी नहीं करेगा। तो देखिए टॉर्च चालू हो चुकी है लेकिन बल्ब जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमने एक जम्पर आपको बताया था पहले ही, ये जम्पर लगाना है हमको, तो ये जम्पर हमने पहले से लगा लिया था, लेकिन अभी हम आपको जूम करके भी दिखा देंगे कि हमने ये जम्पर कहाँ से कहाँ लगाया है और इसके बाद एक बार टेस्टिंग करते हैं।
तो देखिए अभी फोन को हमने बैटरी लगा दिया है और फोन को ऑन कर लिया, तो फोन हमारा ऑन हो रहा है। तो कुछ कीपैड भी हरकत कर रहा है इसका, क्योंकि पुराना मोबाइल है तो ये थोड़ी बहुत समस्या तो होती रहती है। इसको क्लीनिंग करने से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो क्लीनिंग करके देख लीजिए। अगर इस तरीके देख सकते हैं, इस तरीके से हमने वो जम्पर लगाया और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, यानी कि हमारा LED बल्ब जो है अच्छे से ग्लो करना स्टार्ट हो गया, यानी कि जलना स्टार्ट हो गया। तो आप इस तरीके से अपने बल्ब को ठीक कर सकते हैं। और अभी हम आपको बताएंगे कि ये हमने छोटा बल्ब लगाया है तो किस तरीके से इसको हम बड़ा कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे, ताकि आपके फ़ोन में ढीला ना पड़े और फिक्स उसी तरीके से बन जाए। तो चलिए अभी हम आपको पहले तो ये बता दें कि जम्पर हमने कैसे कैसे लगाया है, इसके बाद हम आपको बल्ब को भी बड़ा करना बताएंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है ब्लैक कलर का, तो ये जम्पर उसके हमने पीछे लगाया हुआ है यहाँ से, और सीधा यहाँ पे जहाँ पे हमको सप्लाई नहीं मिल रही थी यहाँ पे सोल्डिंग कर दी है। तो इस तरीके से आप जो है एक जम्पर लगा के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ से जम्पर सीधा यहाँ पे लगा दिया है। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि आप इससे जो हमने LED बल्ब लगाया है वो छोटा लगाया है तो किस तरीके से बड़ा करना है। तो ये हमारे पास पुराना वाला बल्ब है, तो इस तरीके ऊपर का इसका ढक्कन खुल जाता है। इस तरीके से अगर इसको मोड़ते हैं आप, अगर ज़्यादा चिपका हुआ है तो किसी चीज़ से ठोक देंगे तो ये बाहर से निकल आएगा। और इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल लेवल का बराबर का बन गया है। तो इस तरीके से आप अपनी LED बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके मार्केट में अगर एक नंबर की LED नहीं मिल रही है तो आप इस तरीके से उसकी जुगाड़ बना के काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन इस तरीके से अगर आप LED बल्ब को लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले जो बड़ी LED थी तो उससे थोड़ा सा 19-20 रोशनी में अंतर होता है, तो थोड़ा सा कम रोशनी होगी लेकिन काम जो है अच्छे से चल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक।